बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। इस प्रकार के कोटेशन का यूज आप निबंध में कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी द्वारा आईएएस के एग्जाम में जो परसों दो निबंध दिए गए थे, उसमें से एक टॉपिक था विवेक सत्य को खोज निकालता है। इस टॉपिक में भी आप इसको डाल सकते हैं कि किस तरीके से हमारे समाज में या वर्ल्ड में जो भी अविवेकी व्यक्ति हुए हैं, जैसे हिटलर, मुसोलिनी या अन्य कोई व्यक्ति, जिन्होंने अंधराष्ट्रवाद को यानी कि ब्लाइंड नेशनलिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, उन्होंने एक समय के बाद अपना विवेक खो दिया और वो क्षणिक सुख की ओर भागने लगे। इस प्रकार के एसे में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक एसे और दिया था कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। यानी यहाँ पर कीवर्ड क्या है, साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के मंत्र हैं। तो आप डाल सकते हैं कि किस प्रकार से स्वयं में सुधार करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। आज की डेट है 22 सितंबर 2019। ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रो है, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। आज का पहला आर्टिकल तत्पर ऐप से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट ये है, दिल्ली पुलिस ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है तत्पर है। ये एप्लीकेशन बेसिकली 50 से अधिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे थे एप्लीकेशन या पोर्टल के रूप में, वो सभी इस तत्पर ऐप पर अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही ये सिटीजन को 24x7 अवेलेबल होगा, यानी 24 घंटे अवेलेबल होगा, और वो अपने किसी भी प्रकार की असुविधा को, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो या फिर किसी कोई संदिग्ध व्यक्ति हो उसे उन्होंने देखा हो उसके बारे में सूचना देनी हो पुलिस को, या डायरेक्टली पुलिस को 100 डायल कॉल करके बुलाना हो, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्राइम से रिलेटेड या रूल्स एंड लॉ से रिलेटेड यदि किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है किसी भी सिटीजन को, तो वो डायरेक्टली तत्पर ऐप पर संपर्क कर सकता है और दिल्ली पुलिस उसकी हेल्प के लिए तत्पर रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, तत्पर ऐप दिल्ली पुलिस का इनिशिएटिव है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट है हमारा टीजर लोन। इसका कंटेक्स्ट समझने से पहले आप इसके बेसिक्स को समझ लीजिए। ये बेसिकली एक होम लोन होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब आप टीजर लोन बैंक से लेंगे तो आपको स्टार्टिंग के 2-3 सालों में तो कम ब्याज देनी पड़ेगी, लेकिन उसके कुछ समय बाद मार्केट में जो भी ब्याज दर होगी, यानी कि वो फ्लोट करता रहता है, जैसे कि बैंक का कोई जो ब्याज दर होता है वो फिक्स होता नहीं है, वो तो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है RBI के रेपो रेट के हिसाब से। तो जो 2-3 सालों के बाद का समय होगा उसमें आप क्या ब्याज देंगे, ये डिपेंड करेगा कि उस समय उस बैंक का ब्याज दर क्या है या वो किस दर पर आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उस समय 2-3 सालों बाद आपको उसी दर पर उनको ब्याज देना होगा। मतलब आप समझ गए कि अंतर जो क्रिएट हो रहा है वो स्टार्टिंग में हो रहा है, कि स्टार्टिंग में आपको कम ब्याज दर देना पड़ रहा है। इसका कंटेक्स्ट ये था कि RBI इस बात का विरोध कर रहा है कि टीजर लोन दिया जाए बैंकों द्वारा। उसके पीछे रीजन ये है कि ये शुरुआत में तो काफ़ी कम ब्याज दर पर ऋण प्रोवाइड कर देते हैं, इससे क्या होता है कि आगे चलकर काफ़ी वॉलेटिलिटी आ जाती है, मतलब उच्चावच आ जाता है, और इससे जो करेंसी की वैल्यू है वो भी प्रभावित होती है, और इसके साथ ही RBI का ये मानना है कि इसमें ऐसा व्यक्ति इन्वेस्ट करता है जो कि उसको होम लोन को लेने कैपेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यूथ पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें लगता है कि इसकी इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है और मैं होम लोन ले सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने होम लोन लिया, उन्होंने उसके आगे के बारे में नहीं सोचा, अपने भविष्य के बारे में, कि मुझे इसके बाद कितनी ब्याज दर चुकानी पड़ेगी 2-3 सालों के बाद, और उन्होंने जल्दबाजी में इसको ले लिया और कुछ समय बाद फिर बैंक उन पर प्रेशराइज करने लगते हैं कि आपको लोन चुकाना है। कुल मिलाकर कस्टमर के हित में ही RBI ने डिसीजन लिया है कि टीजर लोन को वापस न लाया जाए। ये बेसिकली फिनोमिना था जब 2008 में रिसेशन आया था या इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद ही 2009-10 में SBI ने ये टीजर लोन का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जिसको कुछ समय बाद RBI ने बंद कर दिया। और अभी कंटेक्स्ट इसका यही था कि SBI ये कह रहे थे कि हम टीजर लोन ला सकते हैं और इस पर RBI से बातचीत की जाएगी, लेकिन RBI ने अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, लेकिन अपनी एक इच्छा जाहिर की है RBI ने कि हम इसको लाना नहीं चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सबमरीन खांडेरी या खांडेरी पनडुब्बी से है। आप इसकी पिक्चर को देख पा रहे होंगे। पहले आप सबमरीन के फंक्शन को समझ लीजिए। सबमरीन का काम क्या होता है, ये बेसिकली पानी पर या पानी के अंदर चलती है, और इसका जो मेन एम होता है कि यदि किसी शत्रु देश का या एनिमी कंट्री का कोई सबमरीन है तो उसको नष्ट करना है, या
एनिमी कंट्री का यदि कोई जहाज है, शिप चल रहा है, उसको समाप्त करना है, उसको नष्ट करना है, या फिर समुद्र के गहराई में जाकर उस पर रिसर्च करना है, या फिर समुद्री डकैती को या सी पायरेसी को रोकना है। मतलब आप समझ गए कि किसी भी देश की नेवी को मजबूत बनाने के लिए सबमरीन का क्या रोल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेवी के लिए, और जितनी ज़्यादा सबमरीन्स आपके नेवी के पास होंगी आप उतने ही ताकतवर होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके एयरफोर्स के पास जितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट होंगे आपकी एयरफोर्स उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक्स की, तो आप पहले खांडेरी को देखने से पहले इसको समझ लीजिए कि मुंबई में एक माझगांव डॉक लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसने 2005 में फ्रांस से समझौता किया था कि वो 2020 तक 6 स्कॉर्पियन सबमरीन का निर्माण करेंगे। जो समझौता हुआ था 6 स्कॉर्पियन सबमरीन के निर्माण का, इसमें से पहला सबमरीन जो था यानी स्कॉर्पियन सबमरीन था वो तो था कलवरी, वो लॉन्च हो चुका है, यानी कि लॉन्च होने का मतलब कि वो इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। ये जो दूसरा है खांडेरी है, और इसके बाद जो बाकी चार होंगे वो हैं करंज, वेला, वागीर और वाजगीर। अब हम बात कर लेते हैं खांडेरी की। खांडेरी बेसिकली एक शिकार करने वाली मछली है, इंडियन ओशन में पाई जाती है, उसी के नाम पर खांडेरी नाम रखा गया है इसका, और ये एक स्कॉर्पियन सबमरीन होगी। आप सबमरीन खांडेरी को ध्यान में रखिएगा कि ये इंडियन नेवी में शामिल हो गई है। ये दूसरा ऐसा है, इसके पहले INS कलवरी था जो कि स्कॉर्पियन सबमरीन था, और इसके अलावा इसी क्रम में आगे चलकर करंज, वेला, वागीर और वाजगीर इंडियन नेवी में शामिल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा GST काउंसिल से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट ये है कि हाल ही में इसकी 37वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई गोवा में, जिसमें ढेर सारी बातें की गई जैसे कॉरपोरेट टैक्स को लेकर या अन्य प्रकार की इकोनॉमिकल सिचुएशन पर बात की गई, जिसमें ये तय करने का प्रयास किया कि किस प्रकार हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसका ध्येय ये था। UPSC के पर्सपेक्टिव से GST काउंसिल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब इस तरीके की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है गोवा में, ये एक रेगुलर इंटरवल पर आयोजित होती रहती है, और सभी मीटिंग्स में कुछ ना कुछ फैसले लिए जाते हैं। सभी को न तो आप ग्रास्प कर सकते हैं और ना UPSC पूछती है कि उनकी 37th मीटिंग में कॉरपोरेट टैक्स से रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लिए गए। हम लोग GST काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी संवैधानिक संस्था है। मैंने आपको कल भी बताया था कि संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनको किसी आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन का मेंशन है, इसलिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी तरीके से आर्टिकल 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का मेंशन है, वो भी एक संवैधानिक बॉडी है या संवैधानिक पद है। तीसरा, आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग को मेंशन किया गया है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो आप मतलब समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसको संविधान के किसी आर्टिकल में मेंशन किया गया हो। जैसे GST को आर्टिकल 279A में मेंशन किया गया है GST काउंसिल के बारे में, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम इसके कंपोजिशन की या संरचना की बात करें तो जो केंद्र का वित्त मंत्री होता है, जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इसका चेयरपर्सन होता है यानी इसका अध्यक्ष होता है जो केंद्र का वित्त मंत्री होगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग आते हैं, जैसे व्यय विभाग या राजस्व विभाग, इस तरह करके 5 विभाग आते हैं, जिसमें से जो राजस्व विभाग का सचिव होगा वो इसका पदेन सचिव होगा यानी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा। यानी GST काउंसिल का सेक्रेटरी कौन होगा? जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी होगा वही GST काउंसिल का सेक्रेटरी होगा। एक्स ऑफिशियो या पदेन का मतलब ही होता है कि जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पोस्ट को धारण किया या उस पोस्ट को प्राप्त किया, वैसे ही वो अन्य पोस्ट को भी प्राप्त कर लेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक्स नाम का व्यक्ति इस समय राजस्व विभाग का सचिव, जब उसको राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया तो उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि उसको राजस्व मामले में उसको स्पेशलाइजेशन या विशेषता प्राप्त है, इसलिए उसको राजस्व सचिव बनाया गया। लेकिन राजस्व सचिव का पद धारण करते ही वो GST काउंसिल का भी सचिव बन जाएगा। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो, मतलब कि उसने डायरेक्टली इस पोस्ट को ग्रहण नहीं किया बल्कि किसी अन्य रूट से वो इस पर चला आया। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो चेयरपर्सन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इसके अलावा जो इसका सेक्रेटरी होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी जो होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा यानी पदेन सचिव होगा। इसके अलावा इसके कंपोजिशन में राज्यों के वित्त मंत्री भी आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा
कि राज्यों के वित्त मंत्री आ रहे हैं, जो चेयरपर्सन होगा वो केंद्र का वित्त मंत्री होगा और जो इसका सचिव होगा वो राजस्व विभाग का सचिव होगा। हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल का काम क्या क्या होता है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, एनी अदर मैटर, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो जीएसटी काउंसिल को होंगे। यदि आपके पास कोई भी ऑप्शन आता है जीएसटी से रिलेटेड काम के लिए तो वो सारे काम जीएसटी काउंसिल करेगा, वो सारे आंसर इस एनी अदर मैटर में रिलेटेड हैं, यानी इसमें निहित हैं। और नॉर्मल कामों की बात कर ली जाए कि नॉर्मली या सामान्य रूप में वो अपनी बैठकों में क्या क्या काम करते हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि कैसे टैक्सेस को, जैसे उसके कई लेयर्स हैं उनको किस प्रकार से कम किया जाए, इसके अलावा क्या लिमिट रखनी चाहिए, स्पेशल स्टेटस वाले जो स्टेट हैं या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य हैं उनको कितना फाइनेंस दिया जाना चाहिए सेंटर द्वारा, या जीएसटी में कौन कौन से गुड्स को शामिल किया जाना चाहिए या किसको बाहर रखा जाना चाहिए, इसके अलावा टैक्सेस की रेट्स क्या क्या होंगी, जैसे उसको किस स्लैब में रखा जाए, किस वस्तु पर टैक्स को कम किया जाए, किस पर बढ़ाया जाए, या एक मॉडल जीएसटी लॉ क्या हो सकता है, यानी आदर्श जीएसटी कानून किस प्रकार का हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, या यदि अन्य प्रकार के कोई एडिशनल रिसोर्स उसमें ऐड किए जाते हैं जीएसटी के अंतर्गत तो उन पर रेट क्या होगी, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इसमें जीएसटी के क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर विचार करती है। मतलब आप समझ लीजिए कि जीएसटी काउंसिल उन सारे मुद्दों पर विचार करती है जो जीएसटी से रिलेटेड हैं, उन पर विचार करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का, और ना ही फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग को है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसका कंटेक्स्ट ये है कि हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने रबी कैंपेन 2019 चलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। इसमें बेसिकली कई मुद्दों पर बात की गई है, ठीक उसी प्रकार जैसे जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए उन पर बात की गई थी, इसी प्रकार से ये लगभग हर फसल के पहले होने वाली एक कॉन्फ्रेंस है। जैसे इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ हुई थी, अभी रबी हो रही है, आगे जायद होगी और फिर दोबारा से ये क्रम चलता रहेगा। तो आपको इसके अंदर जो भी बातें हो रही हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप इन मुद्दों में या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर में कौन से ऐसे स्टैटिक पॉइंट की चर्चा की गई है या उसके बारे में एक दो बार उसका वर्णन किया गया है उस पर बात करनी है हमें। जैसे यदि इसका मोटा मोटा खाका देखें कि इसमें किस मुद्दे पर बात की गई, तो हमारे यहाँ जो अनाजों का उत्पादन हुआ है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसको लेकर इन्होंने राज्यों का आभार जताया है और कुछ चिंताएं भी जाहिर की हैं कि ऑयल सीड्स का इंपोर्ट हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है, इसको किस प्रकार से कम किया जाए। यानी कुल मिलाकर सीधी सीधी सिर्फ कुछ बातें ही हुई हैं, इन पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान हमें ये देना है कि इसमें किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनके बारे में कुछ चर्चाएँ की गई हैं। तो हम इनके बेसिक्स को देख लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली 1998 में स्कीम लॉन्च हुई थी। इसका जो मेन एम था वो ये कि फार्मर को एक पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट का फ्लो प्रोवाइड किया जाए, यानी उसकी वित्त तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे कि वो एग्रीकल्चर के जो इनपुट होते हैं या कृषि आगतें होती हैं जैसे बीज, फर्टिलाइज़र या उर्वरक, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, इन सबको वो आसानी से खरीद सके और उसका अपने फसलों में यूज़ कर सके। जब आप इनका बेहतर तरीके से या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तभी तो आपकी फसलें अच्छी होंगी, समय पर होंगी और आपको उससे लाभ होगा, यानी इससे किसान को भी लाभ होगा, इससे हमारी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। तो कुल मिला के जो किसान क्रेडिट कार्ड का एम था वो ये था कि किस प्रकार से क्रेडिट का फ्लो किसानों तक पहुँचाया जाए। हालाँकि 2004 में इसके फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया और ये अब गैर कृषि कार्यों के लिए या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया जाने लगा। हालांकि उनका संबंध कृषि से ही होना चाहिए, मतलब कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर में या प्राथमिक क्षेत्र में जो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे फॉरेस्ट्री या माइनिंग, इन सब चीज़ों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट इशू किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। ये स्कीम 2016 में लॉन्च हुई थी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा और इसने दो स्कीमों की जगह ली थी, जिसमें से पहला है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और दूसरा है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी MNAIS
इन्हीं दोनों स्कीम को मर्ज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी। आप इसके कुछ बेसिक्स को ध्यान दे सकते हैं कि इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बीमा हो रहा है, किसका? फसलों का बीमा हो रहा है। यानी कि आपने फसल उगाई और वो फसल ख़राब हो सकती है, जैसे हो सकता है कि बाढ़ के दौरान वो फसल डूब जाए, नष्ट हो जाए, या आपने यदि उसकी फेंसिंग या बाड़ा नहीं किया है तो हो सकता है कि पशु उसको चर के समाप्त कर दें या उसको क्षति पहुंचा दें, या किसी अन्य प्रकार से, चाहे वो मानवीय आधार पर प्रभावित हो या फिर नेचुरल आधार पर प्रभावित हो, जैसे आग लगना या किसी अन्य कारण से। ऐसी स्थिति में आप बीमा कंपनी के पास जा सकते हैं और आपने अपनी फसल का जो बीमा कराया होगा उसके बदले में आपका जो फसल नष्ट हुआ है उसके रेशियो में ही आपको राशि दे दी जाएगी। आप इसे सिंपलेस्ट वे में ऐसे समझ सकते हैं कि फसलों का बीमा किया जाता है इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, और इसके अंतर्गत जो तीन फसलें होती हैं, रबी की, खरीफ की और हॉर्टिकल्चर की यानी बागवानी की, उनके लिए अलग अलग प्रीमियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे खरीफ की क्रॉप के लिए 2% का प्रीमियम, रबी की क्रॉप के लिए 1.5% का प्रीमियम और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में 2016 में लॉन्च हुई थी, दो स्कीमों को मर्ज किया गया था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और MNAIS को, और आपने इसके जो प्रीमियम रेट है देख लिया, 2%, 1.5% और 5%। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पूसा यशस्वी से रिलेटेड है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्टली UPSC द्वारा पूछा जा सकता है कि पूसा यशस्वी क्या है। ये गवर्नमेंट का एक ऐप है जो कि दिव्यांगजनों के लिए चलाया गया है, या ये गवर्नमेंट का कोई ऐप है या कोई पोर्टल है जो कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए चलाया गया है, या ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चलाया गया है, या फिर ये एक धान की किस्म है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पूसा यशस्वी जो है वो धान की एक किस्म है। अभी इसका कंटेक्स्ट ये है कि IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, एक धान की नई वैरायटी लॉन्च की है जिसका नाम है पूसा यशस्वी। इसे HD 3226 के नाम से भी जाना जा रहा है। इसकी विशेषता ये है, यानी ये अन्य धान की किस्मों से इस रूप में अलग है कि इसमें हाई कंटेंट होंगे जिंक के, प्रोटीन के और ग्लूटेन के, जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ ही जितने भी बैड एलिमेंट्स होते हैं जो धान को प्रभावित करते हैं, जैसे फंगाई या कवक, इनके प्रति भी ये अधिक रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध रखता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एक्सेस टू इंटरनेट से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट ये है कि केरला हाई कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया है, उसी के अंतर्गत एक्सेस टू इंटरनेट भी अब एक फंडामेंटल राइट होगा। उन्होंने इसके लिए 21A को भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल माना है कि एजुकेशन के लिए इंटरनेट आवश्यक है। कुल मिलाकर उन्होंने जो ये लॉजिक दिया है कि एक्सेस टू इंटरनेट को क्यों फंडामेंटल राइट बनाया जाए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इंटरनेट एक लर्निंग टूल है और कोई भी, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई और बॉडी हो, वो इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, यानी इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेजेंट सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा लर्निंग टूल है या सीखने का औजार है। इसके अंतर्गत बेसिकली पेट्रिशन ने ये बात कही थी कि यदि इंटरनेट के एक्सेस तक कॉमन पीपल की पहुंच को रोका जाता है तो ये आर्टिकल 19(1)(a) का, जो कि अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोवाइड करता है, उसके ये खिलाफ होगा। इसमें आपको जो UPSC पर्सपेक्टिव से ध्यान देने वाली बातें हैं वो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19(1)(a), 19(2), 21 और 21A। 19(1)(a) बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, यानी अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपने विश्वास को या किसी भी प्रकार से प्रकट कर सकता है। जबकि आर्टिकल 19(2) क्या कहता है कि राज्य के पास ये अधिकार होगा कि वो तार्किक आधार पर, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, कुछ आधार बताए गए हैं, जिसमें से है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की एकता और संप्रभुता, यदि इससे वायलेट हो रही है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दूसरा है यदि राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट प्रभावित हो रही है तो। तीसरा है कि यदि इंडिया के किसी
देश के साथ फ्रेंडली रिलेशन है और आपके किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हमारे रिलेशन प्रभावित हो रहे हैं दूसरे फ्रेंडली देश के साथ, तो आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है या कोर्ट की अवमानना की है, उसका डिफेमेशन किया है या अन्य किसी प्रकार का ऑफेंस किया है, तो आपको आर्टिकल 19A का लाभ नहीं मिलेगा या आप उससे वंचित कर दिए जाएंगे। मतलब आप समझ गए कि आर्टिकल 19A में आपको राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और आर्टिकल 19(2) में आपके राइट्स पर किस प्रकार से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, यानी तार्किक आधार पर किस प्रकार से उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसकी बात की गई है। आर्टिकल 21 बेसिकली ये डिक्लेयर करता है या घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वो प्रोसीजर लॉ द्वारा इस्टेब्लिश न हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे प्रोविजन द्वारा ही उसकी लिबर्टी का वायलेशन किया जा सकता है जो प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या एक्ट में मेंशन हो। यानी कि आप किसी व्यक्ति को इस आधार पर आरोपी नहीं बना सकते कि वो क्राइम करना चाहता है या किसी अन्य आधार पर। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आगे चलकर कई इफ एंड बट जुड़े हुए हैं, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 जो है वो पर्सनल लिबर्टी या जीवन के अधिकार से संबंधित है। और आपको पता होगा कि कुछ समय पहले राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 में डाल दिया गया था। और बेसिकली जो आर्टिकल 21A है ये स्टेट को ये ड्यूटी प्रोवाइड करता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करे। 19(1A) आपने देख लिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी से यानी जीवन के अधिकार से, 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।